इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो हमारे जवाब पे सैमसंग का नाम बहुत ही जल्दी आता है। और सैमसंग ने इंडिया में काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है और वो अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च करता ही रहता है। हाल ही में सैमसंग की X21 जो सीरीज़ लॉन्च हुई थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी। उसी के साथ पे सैमसंग ने अपने कुछ और भी स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी F62 को उसने लॉन्च किया था। इसी प्रकार से सैमसंग का एक न्यू स्मार्टफोन 11 मार्च को लॉन्च होने वाला है, जो कि है सैमसंग का M सीरीज़ का M12। इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसके कुछ लीक सामने आए हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी M12 किसके स्पेसिफिकेशन के साथ में आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। चलिए पहले हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M12 के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि M सीरीज जो है वो एक मॉन्स्टर बैटरी के हिसाब से सैमसंग को डिनोट करती है। मतलब कि अगर हम M सीरीज के बारे में बात करें तो उसमें हमें बैटरी काफ़ी अच्छी मिलती है। ऑब्वियसली इस स्मार्टफोन में भी हमें बैटरी काफ़ी अच्छी दी गई है। अगर हम बात करें से इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें हमें 6.5 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसकी जो टीजर इसका लीक हुआ है उसमें बताया गया है कि इसमें हमें 8 नैनोमीटर का एक एक्सिनोस का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से इसमें हमें एक्सिनोस 880 या फिर 850 हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। एक्सिनोस की ये दोनों ही प्रोसेसर 8 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड हैं, जो हमारे बैटरी एफिशिएंसी को काफ़ी अच्छा कर देंगे और इसमें हमें गेमिंग भी काफ़ी अच्छी करने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें इसके कुछ और फीचर्स के बारे में तो इसमें हमें कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। अगर हम बात बैटरी की बात करें तो ऑब्वियसली ये M सीरीज का स्मार्टफोन है, तो इसमें हमें बैटरी काफ़ी अच्छी दी गई है, जो कि है 6000 mAh की बैटरी, और इसमें हमें 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन 11 से लेके 15,000 के पर्सपेक्टिव के प्राइस रेंज के हिसाब से लॉन्च हो सकते हैं। 11 से लेके या 13 के आसपास ये स्पेसिफिकेशन के साथ में ये लॉन्च हो सकता है। और अगर ये इन स्पेसिफिकेशन के साथ में इतनी प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ तो ये काफ़ी अच्छा एक स्मार्टफोन बन जाएगा, क्योंकि ऐसे प्राइस रेंज में सैमसंग का कोई स्मार्टफोन अगर हमें मिलता है, जो कि एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है और सैमसंग जैसे एक ब्रांड है जो कि इतना अच्छा बहुत ही ग्लोबल ब्रांड है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर वो इस प्राइस रेंज पे हमें बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करे तो ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छी डील होगी हम सभी के लिए। तो देखना ये होगा कि 11 तारीख को सैमसंग क्या परफॉर्मेंस दिखाता है और इस स्मार्टफोन में और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।